हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा के बारे में। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट में जो 2019 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस है वो 7 मई से स्टार्ट हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में एडमिशन से रिगार्डिंग। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे आपको लेफ्ट साइड के कॉलम में नोटिस एंड डाउनलोड से कॉलम में एडमिशन 2019 नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन से जुड़ी सभी डिटेल्स इस पेज में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस है वो मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा एडमिशन टेस्ट के लिए, बाकी नोटिफिकेशन यानी शॉर्ट नोटिस, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले बात करें हम इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो चलिए इस नोटिस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने खुली हुई हैं। ऑनलाइन सबमिशन इसका 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट की बात करें इसको तो 10 जून है। दोस्तों, यहाँ पर कोर्सेज वाइज लिस्ट क्यों हैं, जैसे कि डिप्लोमा और ऑल अंडर ग्रेजुएट वोकेशनल BFA BTech वगैरह कोर्स के लिए 10 जून लास्ट डेट है। बाकी BEd MEd मास्टर ऑफ वोकेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी 10 जून लास्ट डेट है। इसके अलावा सर्टिफिकेट और मॉड्यूलर कोर्स जो हैं उसके लिए 1 जून से 9 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट इसका 16 जुलाई से कंडक्ट होगा 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। प्लीज़ रिफ़र टू प्रोस्पेक्टस फॉर शेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट। अब बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, तो उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के नीचे आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा। नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें कोर्सेज की डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 10+2 हो, जैसे BA ऑनर्स, BA ऑनर्स के बाद BA सोशल साइंस हो गया, BA BSc BCom ऑनर्स, BCom इन कंपनी दो, बाकी BBA हो गया आपका, और BSc ऑनर्स वगैरह हो गया। इसके अलावा BTech हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, इन सब जो ब्रांचेस हैं। इसके अलावा BCom BBA कंबाइंड डिग्री और BTech पार्ट टाइम हो गया, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इन सब के लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। AB के लिए यानी फर्स्ट और सेकेंड वाले जो कोर्स हैं उनके लिए आपका 10+2 होना चाहिए UP बोर्ड या किसी और बोर्ड से, और 60% मार्क्स उसमें आपके होने कंपलसरी हैं, और JEE मेन स्कोर डिज़ायरेबल है। इसके अलावा जो थर्ड वाला कोर्स है यानी BTech वाला पार्ट टाइम वाला, उसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा आपको चाहिए। बाकी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चुरल के लिए PCM में 50% मार्क्स आपके होना कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों नीचे इसका बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस यानी BHMS का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लिखा हुआ है, इसमें आपका नीट के थ्रू एडमिशन होगा। इसके अलावा दोस्तों वोकेशनल कोर्सेज हो गया, BEd हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED हो गया, मास्टर इन एजुकेशन हो गया, और वोकेशनल कोर्सेज। इसके अलावा MCom वगैरह सभी की यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों वो लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें, 5% SC ST और PH कैंडिडेट को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्क्स हैं उनमें दी जाएगी, और मैक्सिमम एज 21 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2019। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज भी लिखी हुई है फॉर फीमेल एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट फॉर BEd पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज भी आप देख लेंगे। बाकी जो लास्ट डेट है वहाँ पे लिखी हुई है, जो कि हमने इंपॉर्टेंट डेट्स वाले PDF में भी आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की, तो वापसी जाएंगे प्रोस्पेक्टस में, सॉरी वेबसाइट पर, वहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। इस प्रोस्पेक्टस में दोस्तों सभी कोर्सेज की जो लिस्ट है वो आपको उसमें डिटेल, सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो इसको प्रोस्पेक्टस को आपको केयरफुली पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं सभी की डिटेल आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ फैकल्टी के नाम लिखे हुए हैं कौन कौन सी फैकल्टी है। इसके अलावा यहाँ पर आ गया आपका BSc ऑनर्स साइंस के अंदर, यहाँ पर कोर्स की ड्यूरेशन लिखी हुई है, और फिर यहाँ पे फैकल्टी आ गई, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, और एडमिशन कैसे होगा, एकेडमिक मेरिट, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है, यानी ओनली फॉर फीमेल है या फिर सभी के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे PDF में लिखी हुई है प्रोस्पेक्टस में, इसको आपको केयरफुली पढ़ लेना है। दोस्तों इसके अलावा जो एडमिशन टेस्ट है उसके सिलेबस की अगर हम बात करें, तो प्रोस्पेक्टस के नीचे आपको सिलेबस फॉर रिटर्न एडमिशन टेस्ट का लिंक मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जो एडमिशन टेस्ट होगा उसका सिलेबस इसमें मिल जाएगा।
तो इसको हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, तो फिलहाल इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम का वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसको आपको थोड़ी पढ़ लेना है कि आपके एडमिशन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। अब दोस्तों बात करें और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस की, तो यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ गिवन है, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर गिवन है, और दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर जब आप आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक नज़र आएगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में पहले तो जो आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है हिंदी में, यानी अप्लाई करने से पहले ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं और एडमिशन शेड्यूल अवेलेबल जो भी है वो सब लिखा हुआ है। इसके अलावा एडमिट कार्ड नंबर डाउनलोड करेंगे आप, और इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं रिटर्न टेस्ट के लिए, और जो ओएमआर शीट आपको रिटर्न टेस्ट में मिलेगी उसकी इंस्ट्रक्शन भी इसमें लिखी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों इसको जब आप डाउनलोड करेंगे गाइडलाइंस को, तो इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कैसे आपको पढ़ना है। ऑनलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन प्लीज़ फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। पहले आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन लिंक पे, उसके बाद अपना अकाउंट बनाना है आपको, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करेंगे तो 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है, और पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद यू कैन ऑल्सो मेक चेंजेस बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों फीस पेमेंट करने से पहले अगर आपने जितने भी स्टेप फिल कर लिए हैं उसमें यदि आप कोई चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें आपको अपना प्रोग्राम चूज़ करना है, यानी किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। विद एन एप्लीकेशन नंबर यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 कोर्सेज इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर मोर प्रोग्राम्स और कोर्सेज, यानी मैक्सिमम 5 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यू विल हैव अनदर अकाउंट टू हैव ए न्यू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड लॉग इन कैन अप्लाई फॉर वाइल अदर कोर्सेज। 5 से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिफोर कंप्लीटिंग द थर्ड स्टेज यू हैव बीन गिवन द फैसिलिटी टू ऐड और डिलीट प्रोग्राम और कोर्स, यानी जितने भी प्रोग्राम आप ऐड करना चाहें तो सेकेंड स्टेप में आप कर सकते हैं। फिर इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू द प्रोग्राम ग्रुप इन द सेकेंड स्टेप प्लीज़ ट्राई चेंजिंग यूर ब्राउज़र। यहाँ पर ब्राउज़र लिखे हुए हैं, यानी अगर आप फ़ोन से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कौन से ब्राउज़र सूटेबल हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपनी अकेडमिक डिटेल्स लिखनी होगी। इफ़ यू हैव नॉट गॉट एनी रिजल्ट ऑफ एनी एग्ज़ाम यू कैन लीव द इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली एंड फिल द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन। यू कैन फिल द इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल डेट ऑफ एप्लीकेशन अपॉन रिसीव ऑफ द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव फुल डिटेल्स ऑफ हाई स्कूल बट इंटरमीडिएट रिजल्ट इज़ नॉट अवेलेबल, देन फिल इन द डिटेल्स ऑफ हाई स्कूल एंड फिल द इंटरमीडिएट लाइन कम्प्लीटली एंड लीव द अदर डिटेल्स। मतलब दोस्तों अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री का एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आया तो उसको आप लीव कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको फिर से ऑनलाइन जब आप लॉगिन करेंगे तो उसको आप फिर से फिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के बाद जो 14 स्टेप्स होगा उसमें आपको अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 500 KB तक का इसका साइज़ है फोटोग्राफ का, और सिग्नेचर का 100 KB तक का। उनको अपलोड करने के बाद जो 5th स्टेप होगा जो कि फाइनल फेज होगा, आपको अपनी जो एप्लीकेशन है यू हैव टू पे योर एप्लीकेशन ऑनलाइन वेबसाइट आफ्टर गिविंग द पेइंग स्टेटस एप्लीकेशन व्यू यूर क्लिकिंग द लिंक बिलो योर एप्लीकेशन स्टेटस कीप ट्रेस इट टेक्स 3 बिजनेस डेज टू वेरीफाई द पेमेंट। तो जो लास्ट स्टेप है वो दोस्तों वो पेमेंट को होगा, और दोस्तों पेमेंट करने के बाद कम से कम 3 दिन का आपको वेट करना है अपने पेमेंट स्टेटस का, यानी 3 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम कि पेमेंट स्टेटस आपका इसमें ओके हो जाए। तो उतना करने के बाद ही आपका जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल होगा। उसके बाद दोस्तों वापसी अगर हम पीछे आएंगे तो यहाँ पर एक बार आपको जो ओएमआर शीट है, यानी जो ओएमआर शीट जो कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में मिलेगी, उसको कैसे फिल करना है उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे आपको पढ़ लेनी है केयरफुली एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर क्लिक हेयर, इफ़ फॉरगेट योर पासवर्ड क्लिक हेयर। तो यहाँ पर फिलहाल आपको दोस्तों जब आप अपना फीस वीस सब कुछ पे कर चुके होंगे तो यहाँ पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, एप्लीकेशन नेम, ईमेल आईडी वगैरह, इन सबको एंटर करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर उसी एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन कर लेंगे आप। लॉगिन करने के बाद जो फर्दर डिटेल्स आपको फिल करनी है जैसे अपनी पर्सनल डिटेल, अकेडमिक डिटेल और अपनी एड्रेस वगैरह और फोटोग्राफ वगैरह जो आपको अपलोड करने हैं वो सब प्रोसीजर आप कंप्लीट करेंगे।
तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस जानना है सारा इसका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।